लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार ठीक 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें शामिल हैं। पहले चरण के मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 6 सीटों में छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सीधी और शहडोल सीटें शामिल हैं। छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ भी कहा जाता है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। अब इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता घनश्याम मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, पहले चरण का मतदान हो रहा है 19 अप्रैल को, और इससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले जो प्रचार प्रसार है आज पूरे देश भर में थमने वाला है, उत्तर प्रदेश समेत, तो क्या लगता है, क्या जमीनी हकीकत या क्या कहती है, इस बार जनता का रुख किस तरफ है, क्योंकि मुकाबला जो है त्रिकोणीय है, बसपा, इंडिया गठबंधन और बीजेपी। बिल्कुल त्रिशा, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पे, तो इन 8 सीटों पे अभी तक जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इसके अलावा 2 सीटें उसमें से बसपा के पास है, लेकिन नगीना के जो सांसद थे अभी हाल ही में उन्होंने बसपा का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख अपना लिया था। तो वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे कहीं ज्यादा बीजेपी के पास थोड़ा सी मजबूत स्थिति है, और इन स्थितियों के बीच में जो इंडी गठबंधन है वो लगातार पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, और अभी वर्तमान में जो है गाजियाबाद से खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच साझा कर रहे हैं और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 8 सीटों पर, चूंकि पूरे देश में पहले चरण में अगर बात करें तो 102 सीटें हैं जिस पे पहले चरण में मतदान होने हैं, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8 सीटें हैं। बावजूद आज सुबह 10 बजे से जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो भी खासतौर पे गाजियाबाद में। जाहिर बात है कि यहाँ का इंपॉर्टेंट, यहाँ के परिणाम को लेकर के वो लोग सचेत हैं, उनको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बेहतर स्थिति में अगर हम लोग ला लेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों साथ एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं इंडी गठबंधन के जरिए, तो ये दोनों लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर और वोटरों पर अगर सेंध लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति बेहतर बन सकती है, और एक मैसेज कन्वे किया जा सकता है आगामी के बचे 6 चरण के चुनाव मतदान को लेकर के। तो ऐसे में अभी गाजियाबाद में सुबह 10 बजे से लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। अब जो है उसके बाद मुरादाबाद और बिजनौर में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे, नगीना जाएंगे आज अखिलेश यादव, और सबसे बड़ी बात है कि नगीना में अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करेंगे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद, और हाल ही में जेल से 6 महीने बाद जेल से छूट करके आए संजय सिंह आज उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करेंगे। अखिलेश यादव के प्रत्याशी के लिए यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे, और एक बात और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है, बावजूद यहां पे समाजवादी पार्टी के लिए वो वोट मांगते हुए दिखाई देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास जुड़े हुए जो क्षेत्र है वहां पे आम आदमी पार्टी के गाये बगाए ऐसे तमाम बूथ हैं, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पे उसके अपने खुद के वोटर हैं, चूंकि वो दिल्ली से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी नेता को मंच साझा करने का अवसर दे रही है, ताकि उसके जरिए वहां पे जो वोट है, वोटर है आम आदमी पार्टी को, वो भी समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की तरफ आए। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज पहली बार पहला रोड शो करने जा रही है कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी, सहारनपुर में आज वो रोड शो करेंगी और वहां पे अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी, माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। ठीक वहीं से उसी जगह से सपा, माफ करिएगा,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल जो है उसी जगह से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और रोड शो किया था। पहला रोड शो भी योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से ही किया था कल शाम के 4 बजे, और आज प्रियंका गांधी वहीं से रोड शो करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन 8 सीटों पे पहले चरण में मतदान होने हैं, आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके पहले पूरी तरीके से जितनी भी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, इंडी गठबंधन के लोग हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, और उनके जो भी सहयोगी दल है पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दिए हैं। समीकरण की बात आपने की, समीकरण की अगर बात की जाए तो वहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 8 सीटों पे मुजफ्फरनगर की सीट जो संजीव बालियान की सीट है, वहां पे ठाकुर लॉबी पूरी तरीके से लामबंद हो गई है, संजीव बालियान के खिलाफ लामबंद हो गई है। संगीत सोम पूरी तरीके से, खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी में रहे, पायर प्राण नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भी और कुछ ठाकुर लॉबी भी भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान के खिलाफ पूरी तरीके से लामबंद हो गए। कल एक नारा उन्होंने दिया, योगी मोदी तुमसे खैर नहीं, योगी मोदी तुमसे बैर नहीं और संजीव बालियान की खैर नहीं। जाहिर बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद करते हैं, लेकिन संजीव बालियान के चलते भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे सकते में डालने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, संजीव बालियान के लिए, मौजूदा सांसद भी है, ऐसे में वहां पे समीकरणों को बना पाना बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि उस मुजफ्फरनगर सीट पे खुद अखिलेश यादव आज फिर से वहां पे जाएंगे और रैली को संबोधित करेंगे। नगीना के बाद वो जाएंगे बिजनौर, बिजनौर के बाद वो मुजफ्फरनगर ही पहुंचेंगे। पहले कार्यक्रम का हिस्सा बिजनौर के अलावा नहीं था, मुजफ्फरनगर नहीं था अखिलेश यादव के, यही वहां का विरोध है। ठाकुर लॉबी जो विरोध कर रहा है संजीव बालियान का, उसी को साधने के लिए अखिलेश यादव वहां पे जाएंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं मीडिया कर्मियों के, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर के पीडीए हराएगा एनडीए को, और राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए रायबरेली सीट को लेकर के, इस तरीके की जो सवाल है उस सवालों का जवाब दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से वाराणसी आ सकते हैं तो मैं यहां से वायनाड क्यों नहीं जा सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और मैं इसको लेकर के प्रिपेयर हूं। तो इस तरीके का जवाब राहुल गांधी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवारवाद पे जवाब देते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि आज नवरात्रे के दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता संकल्प लें कि वो ना किसी परिवारवाद के नाम पे वोट मांगेंगे, ना किसी परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देंगे, अगर वो संकल्प ले तो हम लोग भी परिवार के साथ चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की जा रही है। और अगर पहले चरण की बात करें त्रिषा, तो थोड़ी सी पहले से स्थिति इंडी गठबंधन की बेहतर हुई है, थोड़ा बेहतर हुआ है। जो भी परिस्थिति, परिदृश्य, भौगोलिक परिस्थिति, जातिगत समीकरण, वोटर है, उससे इंडी गठबंधन का थोड़ी सी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट और आसपास गाजियाबाद में जिस तरीके से त्यागी समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने वहां पे लामबंद हुए, अब ठाकुर समाज के लोग लामबंद हो रहे हैं, तो ये जो अंतरकला और विरोध है वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लोगों को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन और बसपा भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी इस बार और बेहतर और मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जनसंपर्क तो बैठाया जा ही रहा है, चुनावी दौरे लगातार चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व के हो, केंद्र नेतृत्व के हो, जारी है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था या जहां स्थिति कमजोर थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरा दमखम लगा रही है। देखिए, चुनाव प्रचार के मायने में कहीं दूर दूर तक ना इंडी गठबंधन टिक रहा है, कांग्रेस पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, सेवन लेयर में चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। उसमें से सेवन लेयर में बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख इन लोगों ने उन लोगों को बताया, हर घर में हमारा एक पन्ना प्रमुख रहेगा। अब जिस परिवार का एक व्यक्ति पन्ना प्रमुख रहेगा, उस परिवार का लोग जाकर के इंडी गठबंधन के किसी प्रत्याशी को टिकट वोट थोड़ी देगा। अगर परिवार में एक व्यक्ति पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बन गया तो वो पूरा परिवार जाकर के भारतीय जनता पार्टी को, इतना भी लोकतंत्र अगर अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है कि पिता किसी और को वोट दे रहा है, बेटा किसी और को वोट दे रहा है, पत्नी किसी और को दे रहा है, हो सकता है दे सकते हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन ये माना जाता है कि पूरा का पूरा परिवार जहां जाता है वो अपना वोटर बनकर के एक ही पार्टी का वोटर बनता है। तो ऐसे में सेवन लेयर स्ट्रेटेजी के तहत
तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और पिछले अगर 15 दिन की बात करें, पहले चरण की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ तकरीबन 45 से ज्यादा जनसभा कर रही है, प्रचार प्रसार चरम सीमा पर है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव के परिणाम आखिर किसके पक्ष में निकलकर सामने आते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।